नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आपने यदि अपनी गाड़ी के ऊपर लोन ले रखा है, तो आप जब अपनी गाड़ी के लोन लेने के बाद लोन सेटलमेंट यदि आप करवा लेते हो, तो आपको आगे आने वाले भविष्य में इसका कितना नुकसान देना पड़ेगा, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो साथियों, जो भी साथी लोन के ऊपर गाड़ी ले लेते हैं और वह अपनी गाड़ी की किस्तें टाइम पर पे नहीं कर पाते, तो पे नहीं करने पर हमारा चेक बाउंस हो जाता है और कंपनी के द्वारा हमसे चेक बाउंस के भी एक्स्ट्रा रुपए लिए जाते हैं। इस प्रकार फाइनेंसर के द्वारा हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं और वह जो एक्स्ट्रा चार्ज जो बनाता है, वह इतने ज़्यादा अमाउंट का बना देता है कि वह हम भरने में असमर्थ होते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हमने जो पैसा फाइनेंसर को देना है, हम उसमें कुछ छूट करवा लेते हैं ताकि हमें कुछ पैसे की बचत हो जाए। हम छूट करवाने के चक्कर में अपने लोन को लोन सेटलमेंट करवा लेते हैं। तो लोन सेटलमेंट करवाने के बाद आपको क्या नुकसान होने वाला है, हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि साथियों, लोन सेटलमेंट करवाना आपके लिए अच्छा नहीं होता, ये आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। और साथियों, यदि आप लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत हाजिर होंगे। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि लोन सेटलमेंट करवाना ठीक है या नहीं। और आपको 1 लाख रुपए मान लो यदि आपने भरने हैं, तो वह 1 लाख रुपए न लेके आपसे 95,000 रुपए लेके आपका लोन है वो क्लियर कर देता है, और इस प्रकार आपकी जो गाड़ी की जो एनओसी है वो एजेंट के द्वारा आपको दे दी जाती है। तो साथियों, आपने वहाँ से 5 से 10 हज़ार रुपये बड़ी आसानी से बचा लिए, लेकिन आपने ये जो 5 से 10 हज़ार रुपये बचाए हैं, ये आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान करने वाले हैं। तो वह नुकसान आप जान लीजिएगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो यही होने वाला है कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपने व्हीकल के ऊपर लोन लेते हो, या फिर आप अपने व्हीकल के ऊपर रीफाइनेंस करवाते हो, तो जब भी आप अपने व्हीकल पर लोन लेते हो, तो लोन लेते समय आपने पिछले व्हीकल पर जो लोन सेटलमेंट करवाया था, वह जो लोन सेटलमेंट है आपके पैन कार्ड के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार वह जो लोन सेटलमेंट है, वह ये शो करता है कि इस आदमी के द्वारा अपनी गाड़ी की किस्तें समय पर पूरी पे न करके वह अपनी किस्तें बाउंस करता रहता है, और इसका जो सिविल जो रिकॉर्ड है और इसका बैंक के साथ जो व्यवहार है, वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि एक अच्छे सिविल स्कोर के तहत होना चाहिए। तो इस प्रकार वह लोन सेटलमेंट आपका एक गंदे व्यवहार को दर्शाता है, और आपका गंदा व्यवहार आपको आगे आने वाले समय में, भविष्य में, किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा लोन लेते समय आपके पाँव में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है, और आपको लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब कुछ साथी ये कहेंगे कि सर, हमने भी लोन सेटलमेंट करवाया था, लेकिन हमें तो लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो साथियों, काफ़ी लोगों को लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आप एक बात बड़े अच्छे से जान लीजिएगा, लेकिन आपकी जो लोन लेते समय आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मिनिमम से मिनिमम न लगा के उसमें कुछ इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे कि आपके सिविल के अकॉर्डिंग यदि आपको 7% के ऊपर अगर आपकी गाड़ी के ऊपर फाइनेंस होना है, तो वह लोन सेटलमेंट होने के कारण आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% न लग के 9 या 10% पे आपको लोन मिलता है। तो अब आपको लोन तो मिल गया, लेकिन आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 7 की बजाय 10% हो गई। अब 3% आपको अपने उस जो आपने जितने भी रुपए का लोन लिया है, अब उसके ऊपर 3% का एक्स्ट्रा ब्याज भी तो आपको देना पड़ा। तो इस प्रकार लोन सेटलमेंट करने पर आपको लोन लेने में बहुत बड़ी समस्या आती है, और आप 5,000 रुपये न बचा के आप कोशिश करें कि पूरा का पूरा पैसा आप बैंक को पे करें, और आप लोन सेटलमेंट नहीं करवाएं। लोन को क्लोज करवाते समय यदि लोन सेटलमेंट करवाने के बारे में आपने सोचा है, तो आप लोन सेटलमेंट नहीं करवाएं।
नहीं तो आगे आने वाले समय में आपको जो लोन है वो नहीं मिलेगा, और यदि मिल जाता है तो आपको उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार आप सभी जान गए होंगे कि लोन सेटलमेंट आपके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। हाँ जी साथियों, इस चैनल पर हमने और भी बहुत सी वीडियो बनाई है, जैसे कि ट्रैक्टर लोन कैसे ले, जेसीबी को लोन पे कैसे ले, महिंद्रा 265 Di XP+ जो मॉडल है वो अभी जो नया लॉन्च हुआ है उसको भी आप 25,000 रुपये की डाउन पेमेंट भर के आप ले सकते हैं, या फिर और भी अन्य बहुत सी प्रकार की व्हीकल और व्हीकल लोन से जुड़ी बहुत सी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। और आपके किसी भी साथी का लोन और लोन से संबंधित या व्हीकल और व्हीकल से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का यदि कोई सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।